वेलकम टू टाइस टीवी। जैसे कि आज हमने देखा, स्टार्टअप 20 ने जागृति यात्रा के साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस करी। स्टार्टअप 20 G20 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इस पार्टनरशिप से भारतीय जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको एक बूस्ट मिलेगा। चलिए इस खास बातचीत में मिस्टर शशांक त्रिपाठी से जानते हैं कि किस तरह जागृति यात्रा हमारे देश को एक मोमेंटम देगी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और आगे बढ़ेगी। वेलकम सर। सर, ये जो पार्टनरशिप हुई है ये जागृति यात्रा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, जागृति यात्रा के लिए दो तीन प्रकार की का संकेत लेके आती है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि पिछले 15 साल से जागृति यात्रा विश्व की जो सबसे बड़ी रेल यात्रा है उद्यमिता के लिए, पूरे देश का तो भ्रमण कर रही है, लेकिन इसमें लगभग 3 प्रतिभागी बाहर से भी आते हैं और उसी के होते होते करीब 5 देशों में यात्रा का एक तरह से अनुकरण किया गया है। तो इस G20 यात्रा से जो 70 लोग बाहर से आएंगे, पूरे देश विदेश के लोग आएंगे, उससे उस यात्रा को एक बूस्ट मिलेगा कि ग्लोबली इसकी, जिसे कहते हैं, रिकग्निशन बढ़ेगी, लोग जानेंगे जो भारत में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, G20 के होते होते हम लोग ऐसे 4 बड़े इवेंट्स कर रहे हैं जो कि बेंगलोर में, वाराणसी में, देवरिया में और दिल्ली में होंगे, जिससे हम लोग को अपने जो मैसेज को, हमारे उद्यमिता का जो एक संकेत है और संदेश है, उसको हम लोग पूरे देश भर में फैलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन, एक तरह से इकोसिस्टम की भावना है, उसको हम लोगों ने 3 मुद्दे लिए हैं, 3-4 मुद्दे लिए हैं, उसका बखान करने का इस बार हम लोग को मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है, 15 साल से चल रही है। मैं चाह रहा हूं कि अगले कई सालों तक यह स्टार्टअप 20 के साथ देश ही में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी जाए। सर, जैसे कि जागृति यात्रा 15 सालों से हर साल ले जाई जाती है और इस साल ये स्टार्टअप 20 के अंडर ले जाई जाएगी, तो किस तरह से जब आपने इसे 15 साल पहले शुरू किया था वहाँ से आज 15 साल बाद तक इसकी जो जर्नी रही है वो कितनी ग्रोइंग रही है और इस साल क्या नए चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, 15 साल पहले 2008 में जब हमने शुरू किया था तो उस समय थोड़े से कम लोग ले जाया करते थे, 400 लोग। आज की तारीख में जब हमारी पिछली यात्रा हुई थी 2022 में, तो उसमें 500 लोग ले गए थे। दूसरी चीज़, हम लोग 15 दिन की यात्रा करते हैं, उसमें अन्य लोगों से मिलते हैं, तो उसमें कुछ बदलाव हम लोग लाएँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यात्रा का ब्रांड आज की तारीख में कॉलेजेस, स्कूलों में और ऐसे संस्थाओं में बढ़ गया है कि हमारे आवेदन बहुत बढ़ गए हैं। पिछली बार कोविड के बाद हम लोगों ने 22,000 आवेदन आए थे। और अंत में एक और चीज़ जो हुई थी, जो कोविड के 2 साल हुए थे उसमें हम लोगों ने डिजिटली यात्रा किया था, तो ये तो हमारे यात्रा का चढ़ाव रहा है, प्रतिष्ठित यात्रा हो गई है। 15 साल पहले जब हमने शुरू किया था तो कुछ लोग जानते थे, आजकल बहुत आवेदन आ रहे हैं। जहाँ तक इस बार की यात्रा का सवाल है, वही आपका सवाल है, इसमें हम लोगों ने जो मेगा इवेंट्स कर रहे हैं, हम लोग जो अन्य चीज़ें कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने बताया, उससे यात्रा और प्रतिभाशाली होगी और लोग आएंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि आज की तारीख में ही लगभग 15,000 आवेदन आ गए हैं, तो होते होते करीब 20-25,000 आवेदन आएंगे और पूरे देश विदेश के लोग इसको उत्सुकता से देखेंगे। मैं मीडिया से भी कहता हूँ इसको अच्छी तरह कवर करें। सर, इतने आवेदन ऑलरेडी आ चुके हैं और आवेदन आने बाकी हैं, तो किस तरह से आप सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि जो जाने वाली संख्या है वो बहुत थोड़ी है, आवेदन बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया रहेगा? सिलेक्शन में हम लोग किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को तवज्जो नहीं देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ का साधारण 20 से 27 साल का उम्र का नवयुवक या नवयुवती अप्लाई करे, लेकिन उसमें हुनर होना चाहिए कि उद्यमिता के लिए, देश निर्माण के लिए कुछ करे। और कुछ करीब 70 ऐसे फैसिलिटेटर्स हैं जो, और जिसे कहते हैं तजुर्बेदार हैं, जो 27 के ऊपर की उम्र के हैं, वो भी आवेदन दें। उसमें हम लोग 5 ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि आपका क्या देश से क्या जुड़ाव है, आपने उद्यमिता के लिए क्या किया है, आप यात्रा के बाद क्या करना चाहते हैं, आपके कौन रोल मॉडल हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर हिंदी अंग्रेजी में, यू कैन आंसर इन इंग्लिश और यू कैन आंसर इन हिंदी एंड दैट विल बी वेरी वेलकम। इट इज़ नॉट अ वेरी टफ प्रोसेस, बट ऑफ कोर्स द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर हाई, सो यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। ऑल्सो सर, इज इट जस्ट फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन एस्पिरेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और पीपल फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट? दिस ईयर वी हैव 70 पार्टिसिपेंट्स एक्सक्लूसिवली फ्रॉम G20, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग जो साधारण रूप से हमारी जो पिछले 15 साल से यात्रा होती है उसमें करीब 30 लोग बाहर से आते हैं। तो वैसे भी बाहर से लोग आते हैं, लेकिन इस बार ज़्यादा आएंगे, तो अगर 30 और 70 को मिलाएं तो करीब 100 प्रतिभागी बाहर के होंगे, जो कि करीब 20% जो हमारी जनसंख्या इस बार बाहर की होगी।
कमिंग टू माई लास्ट क्वेश्चन, आपकी तरफ से क्या कुछ वो टेक अवेज होंगे जो इसके पार्टिसिपेंट्स को मिलेंगे, जो आप एक कहना चाहें कि इसके लिए यात्रियों को आपके साथ जुड़ना चाहें? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों को जो भी प्रतिभागी रहेगा उसको मिलेगा एक तरह से नेटवर्क, 500 ऐसे लोगों का नेटवर्क जो देश में कहीं भी आप जाएंगे आपके दोस्त मिलेंगे, आपके मददगार मिलेंगे, आपके को-फाउंडर्स मिलेंगे, आपके सहायक मिलेंगे। आप उसमें से कई ऐसे लोगों को चयनित कर सकते हैं जो आपकी उद्यमिता में आपकी सहायता करें। दूसरी चीज़, एक पूरे देश को एक साथ देखने का तजुर्बा मिलेगा। ये बहुत ही अनूठा तजुर्बा है क्योंकि करीब 14 दिन में आप लगभग पूरे देश को, दक्षिण में आप मदुरई तक जाएंगे, उत्तर में आप देवरिया तक जाएंगे। और तीसरी चीज़ मिलेगी कि ऐसे वरिष्ठ लोगों से आप लोगों का साक्षात्कार होगा जो कि इस देश के लिए कुछ कर चुके हैं। चौथी चीज़ आपको मिलेगी इस बार कि 100 ऐसे प्रतिभागी होंगे जो विश्व के उद्यमिता के लोग होंगे, यहाँ पर आएंगे, उनसे आपको एक अलग तजुर्बा मिलेगा जो किसी और यात्रा में नहीं मिला है। और पाँचवा दोस्तों, ये अमृतकाल है, अगले 25 साल में हमें देश बनाना है, तो आइए मिल के करें ताकि मिल के पूरे देश में एक ऐसा ब्रांड बने कि आइए इस बार एक ऊर्जा जगी है, एक ज्वाला जगी है जो कि जागृति की ज्वाला है, पूरे देश में फैल रही है। उस ज्वाला से अमृतकाल में देश का निर्माण अगले 25 साल में करने का हम प्रण लेंगे। तो जैसे कि हमने जाना कि जागृति यात्रा इस बार बहुत बड़े लेवल पर होने वाली है और देश विदेश से लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जागृति यात्रा की लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए टाइस टीवी के साथ जुड़े रहें। कीप वॉचिंग टाइस टीवी टू नो मोर अपडेट्स ऑन द स्टार्टअप वर्ल्ड। थैंक यू।